हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आई है एक क्रैश कोर्स जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बहुत सारे टॉपिक डील किए जा रहे हैं जो एनटीए यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक है जो कि है नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़ एंड हम आगे जाके सारे नेट लॉ सब्जेक्ट की वीडियोस बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पर जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्या मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एंड उनके ग्रोथ के पीछे का रीज़न क्या था। ना कुछ जर्स्ट हैं जिनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइवर जेनी, जिन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है। ना अगला केसी डेविस, जिन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ कंसर्निंग पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो यहाँ पे पावर, प्रोसीजर एंड जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेड वहीं पे कंट्रोल की बात करते थे, उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। ना तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से। ना क्या क्या रीज़न थे इनके ग्रोथ के पीछे। फॉर एग्जांपल, जैसे चेंज इन स्टेट पॉलिसी, तो जहाँ पे हमारी स्टेट एक पुलिस से वेलफेयर स्टेट बनी थी, ये एक कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रोथ का। इमरजेंसी सिचुएशन, इन एडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड टेक्निकलिटीज जो हमारे पार्लियामेंटेरियन फेस कर रहे थे, इन कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काफ़ी ग्रोथ हुआ था। ना अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे आपका लॉ ऑफ टॉट है, और एवर इवॉल्विंग एक लॉ है। ये पब्लिक लॉ है जो कि डील करता है लॉ रिलेटिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनके पावर, फंक्शन एंड लिमिटेशन के। ये इससे भी डील करता है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, साथ ही साथ रेमेडीज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने अपने पावर का अब्यूज़ किया है तो। ये डील करता है रिलेशनशिप इंडिविजुअल और गवर्नमेंट की, साथ ही साथ ये एक जजमेंट लॉ है एंड इट डिराइव इट अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी लॉ। ना स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो ये एक बहुत रीसेंट ब्रांच है साइंस ऑफ लॉ का जो कि 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। ना किसे डील करता है, जो हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, रेमेडीज इन केस ऑफ वॉल्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने फंक्शनिंग के दौरान किया हो। ना किन मेथड और क्या प्रोसीजर की एजेंसीज अपनाएंगी इम्प्लीमेंटेशन के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के, स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन एंड रेमेडीज अगर कोई डैमेज हुआ है तो। नेचर और स्कोप में काफ़ी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है और ये टॉपिक आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पॉइंट बनाने में। ना अगला है, क्या इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो ये इंश्योर करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है तीन ऑर्गन में, ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, ओपन एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, ये इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश है, ये इंश्योर रखता है कि ये प्रिंसिपल वेयर इज राइट देयर इज रेमेडी इन केस अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने किसी भी राइट का वॉयलेशन किया तो हमारे पास उनकी रेमेडी है, फॉर एग्जांपल रेमेडी ऑफ राइट। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि एब्यूज ऑफ पावर भी ना हो। सो अब से हम एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सामने सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस ईयर में डेवलप हुआ था। ये आपके ऑप्शन, डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। वेरी सून लीगल डिकोड विल ब्रिंग एमसीक्यू सीरीज फॉर नेट एग्जाम। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट डाउन बिलो एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डाउट है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो, लाइक कर, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।